महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव प्रचार के सिलसिले में रविवार को उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मुंबई पहुंचे। उन्होंने ठाणे में भाजपा प्रत्याशी नरेंद्र मेहता के समर्थन में जनसभा की। इस दौरान मौर्य ने भाजपा को वोट देकर पाकिस्तान पर ऑटोमेटिक तरीके से परमाणु बम गिराने की बात कही। मौर्य ने कहा, अगर लोग कमल के चिन्ह का बटन दबाते हैं तो इसका मतलब होगा कि परमाणु बम ऑटोमेटिक तरीके से पाकिस्तान पर गिरा दिया गया है। भाजपा को वोट दें और हमारी पार्टी को फिर से महाराष्ट्र में जीत दिलाएं। देवी लक्ष्मी हथेली साइकिल या घड़ी पर नहीं बैठती, बल्कि वे कमल पर बैठती हैं। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 कमल के फूल के कारण ही निरस्त हुआ। कमल विकास का प्रतीक है। महाराष्ट्र में 21 अक्टूबर को वोटिंग। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में भाजपा ने शिवसेना के साथ गठबंधन किया है। राज्य की 288 सीटों में से भाजपा 150 सीटों पर जबकि शिवसेना 125 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। राज्य में 21 अक्टूबर को मतदान होना है जबकि नतीजे 24 को आएंगे।